अलैकाम क्या हाल है आप सबका उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे वेलकम बैक टू एन अदर व्लाग एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल और आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग है और अब तो ही हुई हैं विंटर वेकेशन और आज हम आपके साथ शेयर करेंगे कि हम लोग अपनी विंटर वैकेशन कैसे गुजार रहे हैं और पूरा टाइम घर में कैसे स्पेंड कर रहे हैं और ये छोटा सा ब्लॉग होगा अगर आप हमारा डे टू नाइट का ब्लॉग देखना चाहते हैं तो वो आप हमें रिकमेंड कीजिएगा फिर आपके साथ शेयर करेंगे वरना नहीं करेंगे अब तो और जी ये था शाम का टाइम और यहाँ पे खाने का दिल कर रहा था पॉपकॉर्न और ये हम लोग लेकर आए थे किंग्स मॉल से वैसे तो जो लेकर आते हैं नॉर्मल पॉपकॉर्न होते हैं वो आ, मार्केट से ही लेते हैं लेकिन ये डिफरेंट पैकिंग में थे तो सोचा कि ये भी ट्राई कर लेते फ्लेवर हैं फ्लेवर में था ना इसलिए ट्राई हाँ और ये बटर फ्लेवर में है और मतलब कि इसमें कोई ऑयल वगैरह कुछ भी ऐड करना नहीं पड़ता बस साछे को डाले और फाइव टू सिक्स मिनट बाद ये रेडी हो जाता है और जी यहाँ पे सारे पॉपकॉर्न इंजॉय कर रहे हैं साथ साथ टी वी देख रहे थे और ड्रामा देख रहे थे और हमें काम पे लगाया हुआ है और सारे यहाँ पे बैठ के इंजॉय कर रहे थे तो ये सारे ऐसे लग रहा है कि पॉपकॉर्न पर ही टूट पड़े हैं और सबने पॉपकॉर्न ही खाना है और यहाँ पे मामा देख रही हैं टीवी और मुझे बाहर काम पर लगाया हुआ है और ये नू की फरमाइशें जो खत्म नहीं होती हैं और फिर मुझे करना पड़ते हैं ये काम अभी तो बहुत सारी फरमाइशें भी बड़ी सारी वीडियो आप तो फरमाइश करते हैं मैं मैं कब ही कही जाती हूँ बार बार कि मैं मैंने ये वो खाने, मैं खाने और वैसे भी वैकेशन हुई हुई है तो फ्री टाइम भी होता है तो उसमें ये हो जाता है कि कुकिंग के लिए टाइम निकल आता है तो इसी तरह मेरे पास भी टाइम था तो मेरा यहाँ पे दिल कर रहा था बनाना को कि मैं बना लेती कुछ डिफरेंट सी रेसिपी ट्राई कर लेती हूँ तो यहाँ पे कीमा पड़ा हुआ था और अगर आपने ये कीमे की मतलब कि मैरिनेशन कैसे की हुई है तो ये आप चैनल पे देख सकते हैं कि किस में, में इसको मैरिनेट और कौन कौन सी चीज़ें ऐड करके तो मैंने ये कबाब बनाया तो कीमा ऑलरेडी बना पड़ा हुआ था घर में स्टोर किया हुआ था तो उसके मैंने कबाब बना लिए थे और यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ कबाब और मुझे उम्मीद है कि बहुत कम लोगों ने ये ट्राई किया होगा और ज़्यादातर रेस्टोरेंट्स में ये होता भी नहीं है मैंने भी बस एक ही रेस्टोरेंट में वैसे ट्राई किया हुआ है और हो सकता है आप ने भी किया मेरी तरह। लेकिन कम नहीं। तो, कर तो इंग्रेडिएंट्स वही थे।, थे इसमें कबाब और ये जो वेजिटेबल्स थी ना ये मतलब कि मैंने सेम इसी तरह बनाई थी जैसे शॉपकीपर्स बनाते हैं यूँ लग रहा था कि मैंने में वाली दुकान खोली जिस दिन शुमारमा बनाते हैं उस दिन बहुत ही काम होता है मेरे लिए तो यहाँ पे मैंने मतलब कि ये जो वेजिटेबल्स इस पे आ सिरका और वो ऐड किया था सॉल्ट एंड लेमन क्योंकि ये ना थोड़ा सॉल्टी सा हो जाएगा और बहुत ही अच्छा से से फ्लेवर आता है जब हम लोग बाहर से खाते हैं ना वो भी इसी तरह ही करते हैं तो इस वजह से वही दुकान ही खुली हुई थी यहाँ पर शवरमा वाली मैंने तो मैं वही बना रही थी तो इसको मैरिनेट करके रख देंगे जब तक सारी चीज़ें रेडी होंगी फिर ऐड करेंगे और बस ये शवरमा रेडी हो जाएगा और मेरे साथ हमेशा ऐसे होता है कि जब भी मैं कुछ बनाने लगती हूँ तो कोई ना कोई चीज़ कम पड़ जाती है तो यहाँ पर भी इसी तरह हुआ था मतलब कि गार्लिक सॉस थी लेकिन जिस तरह फ्लेवर में मुझे चाहिए थी उस फ्लेवर में नहीं थी तो फिर मैंने अपने पास ही चीज़ें ऐड करके तो इसको उस फ्लेवर में बना दिया तो ये मैंने गार्लिक सॉस लिया उसमें मैंने ऐड किया था थोड़ा सा सिरका सा सॉल्ट ऐड कर दिया और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी थोड़ा सा लहसुन और थोड़ी सी चिली फ्लैक इससे ये होगा कि स्पाइसी सा मतलब के जो वो लगाते हैं ना सॉस ये उस तरीके की और मतलब कि बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको यू ही लगेगा कि आप बाहर से शॉर्मा लेकर खा रहे हैं वैसे मैं तो यही रिकमेंड करती हूँ कि हमें होम चीज़ें खानी चाहिए मोस्टली लेकिन खाती हूँ मैं बाहर की भी लेकिन ज़्यादा रिकमेंडेड मैं यही करूँगी कि घर की बना कर थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है लेकिन अच्छी मिल जाती हैं तो ये मैंने सॉस इस तरीके से बना रही थी और इसको मैं बार बार मिक्स कर रही थी ताकि ये जल ना जाए क्योंकि ये तो पकी हुई है इसको क्या पकाना है और यहाँ पे मैं फ्राई करने लगी थी कबाब मज़े से और बहुत ही मज़ेदार सी चीज़ी से, से कबाब हैं और इस तरह भी आप कर सकते हैं जो लोग नहीं घर में बनाना चाहते हैं वो वैसे फ्रोजन ले लें ले ये कबाब और वो बना लें क्योंकि सम टाइम ऐसे होता है कि हमारा कुछ खाने को दिल कर रहा होता है लेकिन वो चीज़ अवेलेबल नहीं होती है तो कहते हैं कि छोटी छोटी चीज़ों में अपनी खुशियाँ ढूँढनी चाहिए तो बस यहाँ पर कबाब अवेलेबल थे तो मैंने वो ऐड कर दिए शुारमे में और बना लिए आप देखने में जितने टेम्पिंग लग रहे हैं ना उससे ज्यादा अच्छे थे और शॉर्मा तो बहुत ही अच्छा बनाता है मैं तो अब बाहर का खाती भी नहीं मैं आप ही को कहती हूँ बनाओ बनाओ और ऑब्वियसली टाइम ही नहीं मिलता इसलिए मैं बना ही नहीं पाती हूँ कुछ और वैसे मेरी इस दफा तो वकेशन बहुत अच्छी गुजर रही है नूर आपकी कैसी गुजर रही है छुट्टियां उस दिन से मैं कहीं ना कहीं फिर ही रही हूँ हाँ और वो ब्लॉग्स आपको देखने के लिए भी मिलेंगे बहुत से से इंटरेस्टिंग हाँ इस तरह के बस आपको मिलेंगे बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग्स और मतलब कि इतने टाइम बाद कोविड आफ्टर मतलब कि ये वो वेकेशन थी जो गवर्नमेंट ने हम लोग को दी थी एक अच्छे तरीके से हमें फ़ील हुआ कि हाँ ये वेकेशन सही है और इसमें यह भी नहीं थी कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है कहीं पे आने जाने के लिए या अदरवाइज इतना होता है कि अगर हमें वकेशंस मिलती हैं तो फिर या तो रेस्टोरेंट या कोई भी प्लेस होती है वो बंद होती है तो इस वजह से भी इंजॉय नहीं कर पाते हैं लेकिन इस दफ़ा तो ऐसा बिल्कुल भी सीन नहीं था यहाँ पर मैंने आपको बातों में लगाया हुआ है और आप देखते जाइएगा कि मैंने शवरमा किस तरह असम्बलिंग की है उसके ऊपर क्या और कौन सी चीज़ें लगाई हैं कौन कौन से सोसेज लगाए हैं और यहाँ पर हमारा शवरमा बिल्कुल रेडी हो चुका है और अब हम लोग इंजॉय कर लेंगे अपना मज़ेदार सा शवरमा और जब भी मैं वीडियो देखती हूँ या वॉइस ओवर करती हूँ तो दोबारा दिल करता है कि मैं खाना स्टार्ट कर दूं, लेकिन पौस पौस दिल नहीं करता है, नहीं। मेरा तो दिल जाता है अंदर से हार डालू का अंदर से हार और बाहर निकल हाँ बस बहुत ही मजे का ये शुवार बना था और मेरा दिल कर रहा नूर खाने को। कोई पॉसिबल नहीं है कल आप बना देना दोबारा तो यहाँ पे हम लोग इंजॉय कर रहे हैं ये मज़ेदार से शवार में और आप हम लोग इंजॉय करते हैं में और आप जल्दी से वीडियो देखें और, और वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें कमेंट करें अभी आपके लिए सरप्राइजेस बहुत ज़्यादा पेंडिंग रखें लेकिन जब आप हमें स्पोर्ट नहीं करता एंड करते तो फिर होता है कि नहीं अभी नहीं वीडियो अपलोड करनी अच्छा कर लेंगे तो आप हमें मोटिवेट करें ना हाँ और चैनल को सब्सक्राइब करें बहुत सारे लोग हैं जो वीडियो देखते हैं नाइन्टी परसेंट लोग ऐसे हैं जो मतलब कि वीडियो देखते हैं भैया आप लोग देखते हो तो फिर सब्सक्राइब भी कर दो ना इससे हमें स्पॉर्ट मिलता है और खुशी मिलती है और ये आपकी तरफ़ से हमारे लिए गिफ्ट होता है और गिफ्ट देना अच्छी बात है कोई बुरी बात तो है नहीं है तो आप हम हर रोज देते हैं कि कभी ये वीडियो कभी आपके लिए प्लेसेस पे जाते हैं कि आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट मिले पर फिर जब हमें रिस्पॉन्स नहीं आता तो फिर इंसान थोड़ा हार्ड हो जाता है कि नहीं और ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर शोर हो रहा होगा ऑब्वियसली आपको भी के नाइनटी परसेंट लोग हैं जिन्होंने सब्सक्राइब किया है लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें